वेलकम टू स्टे होम क्लासेस। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 2D के क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 तक मैं आपको पिछली वीडियो में दे चुका हूं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा क्या है। 3x/4 6x/3 2x² 10x 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य हमें प्राप्त हैं। दो शून्य दिए गए हैं और हमें अन्य शून्य इसके ज्ञात करने हैं। अन्य शून्य कितने होंगे, देखो यहाँ पर x^4 है तो टोटल शून्य 4 होंगे। दो हमें ऑलरेडी पता है पहले से, तो दो और शून्य निकाल लें। कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर ये देखो 10 को मैंने इधर नोट कर लिया, वो 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ये देखो 3x/4 और ये देखो पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर 6x³ माइनस का 2x² माइनस का और 10x और माइनस का कितना है ये 5, और इसके दो शून्य कितने हैं, एक √5/3 रूट के अंदर है और माइनस का क्या है रूट के अंदर 5/3। ठीक, ये दो शून्य दिए गए हैं तो हम कैसे करेंगे, अन्य दो शून्य निकालेंगे कैसे। इसको मैं मान लेता हूँ ये किसके x के बराबर है, क्या ये x बराबर क्या है √5/3। एक शून्य ये दिया गया और दूसरा शून्य हमारा क्या x बराबर है एक माइनस का रूट के रूट में क्या है 5/3। ठीक है, ये है। अब हम देखेंगे इसको पक्षांतर कर देंगे, देख क्या हो जाएगा x और ये देखो ये इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा रूट के अंदर 5/3 एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का रूट के अंदर 5/3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई करवा देंगे तो x² माइनस देखो माइनस का गुणा जब माइनस में करेंगे पहली बात देखो x माइनस ये किसका बन गया फॉर्मूला एक वर्गांतर का बन गया, देखो आपने पढ़ा होगा a² - b² का एक कोष्टक में क्या होता है a+b एक कोष्टक में a कोष्टक में होता है a-b होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ऐसा ही करेंगे, देखो इस ये इसके ये देखो ये जो रूप रखा हुआ वही रूप रखा हुआ है तो इसको मैं लिख सकता हूँ x² - जो ये है इसका स्क्वायर, तो इसका देखो √5/3 ये रूट के अंदर है ना, इसका इसका मल्टीप्लाई करवा देंगे तो क्या हो जाएगा 5/3। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। ठीक, a² - b² का रूप मैंने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अब मुझे क्या करना है, इस जो हमारा आया है उसका मुझे इसमें भाग देना है तो करेंगे क्या x² - 5/3 का भाग हमें देना है 3x/4 6x/3 2x² 10x और माइनस के कितने हैं ये 5 है, इसमें मुझे क्या करना है भाग देना है। चलो भाग देते हैं, क्या होगा यहाँ पर देखो x² है यहाँ क्या 3x/4। ठीक है, तो इधर रफ कर ले रहा हूँ, इधर रफ कार्य होगा हमारा क्या, हमें देखो 3x/4 काटना है, क्या 3x/4 काटना किससे काटना है x/2 से, दो घात घट जाएंगे तो क्या बचेंगे 3x/2 बचेगा, तो यहाँ लिखा 3x/2 इसका गुणा करवाया तो 3x/4 क्या आया 4 आया। ठीक, अब क्या करेंगे यहाँ से आगे गुणा करेंगे 3x² का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा देखिएगा माइनस का 3 × 5 कितना हो जाएगा 15 और क्या हो जाएगा यहाँ एक्स का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x² और पूरे बटे के नीचे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे घटाएंगे तो माइनस और ये माइनस माइनस प्लस का चिन्ह हो गया। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 3 से काट दो 3 × 5 कितना हो गया 15। ठीक, अब यहाँ पर देखो यहाँ x² है यहाँ कितना क्यू है तो 6x³ को उतार लेते हैं यहाँ पर और यहाँ देखो कि ये 15x² था ये कट गया 3 से तो 5x² बचा किसका है प्लस का 5x² और ये माइनस का 2x² तो 5 से 2 को घटाएंगे तो क्या आएगा 5 से 2 को घटाएंगे तो 3 बचेगा। ठीक है, कितना बचा 3 प्लस का 3x² माइनस का मैंने 10x उतारा और माइनस के कितने 5 उतार लिए। ठीक है, अब मुझे किसको 6x³ को काटना है, 6x³ को काटना किससे x² से काटना तो दो घात घटा देंगे यानी कि एक बचेगा क्या बचेगा 6x तो प्लस का मैंने लिखा यहाँ 6x तो 6x³ आ जाएगा क्योंकि 6x का गुणा इसमें करवाऊँगा तो अब 6x का गुणा किस में करवाना है इसमें करवाना देखो x है तो इसके सामने आएगा कितना जाएगा देखो 6 × 5 = 30 माइनस का बटे के नीचे कितना 3 × x 3 से काट देंगे कितना 10 आ जाएगा यहाँ पर कितना 10x और माइन
अब क्या करेंगे, हम घटाएंगे तो ये माइनस का, ये माइनस का, तो किसका हो जाएगा, प्लस का, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर 10 बचा था और ये एक्स है, 10x हो जाएगा, ठीक है, इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 3x² माइनस का क्या बचा 5 बचा, ठीक है। अब 3x² काटना हमें किससे, 3x² काटना हमें किससे काटना, x² से काटा तो क्या बचा 3, तो प्लस का मैंने 3 रखा, 3 से इनका गुणा करवाया तो 3x² आ गया, 3 का गुणा इसमें करवाऊंगा तो माइनस के 3 5 15 बटे के नीचे 3, 3 से काटा 3 5 15। अब क्या करेंगे, घटाएंगे तो यहाँ पर कितना 15 बटे 3 आ गया, ठीक है। अब घटाएंगे तो ये माइनस का, ये माइनस माइनस किसका हो जाएगा, प्लस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो ये प्लस का 5 है, ऊपर वाला माइनस का, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा हमारा। देखो ये हमें क्या एक गुणनखंड प्राप्त हो गया, ठीक, एक हमने जब इसे भाग दिया तो हमारा भागफल क्या आया, हमारा भागफल देखो, भागफल आया क्या 3x² प्लस 6x प्लस 3, ठीक है। हमें क्या निकालना, शून्य निकालना, तो इसके बराबर हम क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, शून्य निकालना, तो देखो मैंने 3 इसमें से कॉमन ले लिया तो x² प्लस क्या बचा, यहाँ पर 3 × 6 2x प्लस का क्या बचेगा, यहाँ 1 = 0, 3 मल्टीप्लाई गुणा में 3 कहाँ जाएंगे, भाग में, तो क्या बचेगा x² प्लस का 2x प्लस का 1 भाग में 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका देखो यहाँ पर 1 1 के ऐसे हमें लासा काटना है कि गुणा करने से 1 हो जाए और जोड़ने से कितना हो जाए 2, तो आप जानते हो काटेंगे 1 का काटेंगे तो 1 × 1 ही कर लेंगे हम, 1 1 1 होता है और 1 1 को जोड़ेंगे तो क्या 2x हो जाएगा, तो ऐसे ही करते हैं x² प्लस, तो x + x + 1, इसका मतलब x और 1x कितना, ये एक ही x है, 1x और 1x कितना हो गया 2x हो गया, ठीक है। यहाँ से x कॉमन ले लिया तो क्या बचा x + 1, यहाँ +1 कॉमन ले लेते हैं तो x + क्या हो जाएगा 1 = 0, यहाँ भी क्या बराबर 0, ठीक है। अब x + 1 एक क्वेश्चन में दोनों समान है और एक कॉमन लिया था मैंने, x + 1 आया, ठीक, = 0, यहाँ से मान निकालते तो x + 1 = 0, x = क्या हो जाएगा, पछंद करेंगे माइनस का 1, x + 1 = यहाँ भी 0, x = क्या आ जाएगा, यहाँ भी माइनस का 1, ठीक है। तो ये हमारे दो को अन्य दो शून्य निकला है, दो शून्य तो हमें प्राप्त थे पहले से ही, अब दो शून्य हमारे क्या, एक x = क्या निकल के आया, x = -1 और एक आया x = क्या -1, ये दोनों x = -1 आया, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लो।